अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया शाहिद और आप देख रहे हैं अजीमी फूड्स। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती और ज़िंदगी की तमाम खुशियां दे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमल कोल्ड कॉफ़ी, जो बनाना नहायत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। एक ब्लेंडर ले लिया, उसके अंदर मैंने ये नेस्कैफे की 3-in-1 कॉफ़ी का साशे लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादी कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। उसी के साथ मैंने नेस्कैफे की ही एक कैरमल कॉफ़ी का साशे लेके वो भी शामिल कर दिया इसी के अंदर। इसी के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सूखा दूध, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ये पिसी हुई चीनी थी मेरे पास, ये अपने मीठे के हिसाब से, आप जैसे मीठा कम ज़्यादा है, मैंने 3 टेबलस्पून शामिल किए हैं। और ये मैं 500 ml दूध शामिल करूँगी। ये मैं शामिल कर रही हूँ पैक का दूध, आप खुला दूध भी डाल सकते हैं, जैसे आपके घर में हो अवेलेबल आप वो डाल लें। उसके बाद ये मैं चॉकलेट टॉपिंग है ये शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये टॉपिंग नहीं है तो आप मेल्ट करके चॉकलेट डाल दें, या फिर आप ऐसे करें कि कोको पाउडर जो है 1 टेबल स्पून वो शामिल कर दें। इसको सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इन चीज़ों को ब्लेंड करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। आइस नहीं मैंने डाली, बर्फ़ में बाद में डालूँगी कि ये थोड़ी सी चीज़ें मेल्ट ठीक हो जाएँ, ये आपस में अच्छे से ग्राइंड हो जाएँ। ये मैंने आइस क्यूब्स ले ली हैं, तो ये आइस क्यूब जो है ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके बाद मैं ब्लेंडर को फिर से चलाऊंगी। ये देखें मैंने ब्लेंडर को चलाया और ये क्विक सर्विस हमारी जो सी है कैरमल कॉफ़ी तैयार हो गई है। एक अपने अच्छे से ग्लास में आप इसको पोर कर लें और ये देखें, और इसके अंदर एक स्ट्रॉ लगाएं और जो टॉपिंग है अगर आपके पास तो उसके साथ थोड़ी सी इसकी खूबसूरती को बढ़ा लें। ये देखें ये हमारी कैरमल कोल्ड कॉफ़ी जो सी है वो बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हों किसी अच्छे से में और आप उसको पी रहे हों। आप इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा और सारे घर वालों की ज़रूर तारीफ़ लीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।